नमाज के अंदर अस्कार जो है, तो कौन कौन से अस्कार पढ़ना वाजिब है और किनको छोड़ने की रुख्सत है? जी ये तो पूरे नमाज का आपको बताना पड़ेगा शुरू से जी आखिर तक। देखिए जी जी जरूर बता दीजिए। शुरू में आपने तकबीरे तहरीमा करके कह के नमाज शुरू की है ना। अब इसके बाद आप गिनते जाइए वाजिब क्या क्या है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, उसके बाद फिर तकबीर कह के रुकू में जाना वाजिब है। रुकू में जो अजकार पढ़ते हैं वो वाजिब है, रुकू से उठते वक्त जो समय अल्लाह लिमन हमदा कहते हैं वो वाजिब है। फिर जो तकबीर कह के आप सजदे में जाते हो वो वाजिब है। सजदे में आप गए, जो सजदे में जो अजकार पढ़ते हैं सुभान रब्बी अल आला या जो दूसरे अजकार हैं वो वाजिब है। फिर सजदे से उठना तकबीर कह के ये वाजिब है। दोनों सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा फिरली या जो भी दुआएं वारिद हैं उसको पढ़ना वाजिब है। अब ये आपकी एक रकात नमाज हो गई है ना। जी अब दूसरी दूसरी रकात में भी यही अज़कार वाजिब है। उसके बाद तशहुदे अव्वल में तहियात पढ़ना वाजिब है। तशहुदे सानी में तहियात के साथ दरूद पढ़ना भी जरूरी है। उसके बाद फिर आखिर में सलाम फेरना वाजिब है।